Shortcut guys, chapter number 18, geography का शुरू करेंगे जो है बच्चों वो हमारी earth पे सबसे ज्यादा है जो 71 जो कि है। है कहां कहाशन के अंदर सीज लेक्स और रिवर्स के अंदर ये सब सोर्सेज ऑफ वाटर है एक तरह से वाटर जो है अर्थ के ऊपर दो तरह का पाया जाता है एक है saline water, और दूसरा है फ्रेश वाटर सेलाइन वाटर वो होता है जिसके अंदर काफी मात्रा में नमक डिजॉल्व होता है यानी कि नमकीन पानी हम बोल सकते हैं और ज्यादातर ये पानी ओशन सीज बेज और गल्फ्स के अंदर पाया जाता है लगभग 97.3 परसेंट ऑफ द टोटल वाटर जो है हमारी पृथ्वी कि जितना पानी है टोटल हमारे पास हंड्रेड परसेंट उसमें से नाइन्टी परसेंट जो है वो सेलाइन वाटर है बट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंज्शन और ये सलाइन वाटर है इसीलिए अनफिट है हमारे पीने के लिए सो so वी फ्रेश वाटर जो है वो हमारे यहाँ पर आइस कैप्स यानी कि ग्लेशियर्स वगैरह जो रहते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल पे फिर रिवर्स के अंदर लेक्स के अंदर और अंडरग्राउंड सोर्सेज के अंदर सच एज एक्विफोर्स एंड आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर और ये अंडरग्राउंड भी अवेलेबल है और साथ में ये वाटर वेपर्स के तौर पर हमारे एटमोसफियर के अंदर भी अवेलेबल है तो कुल मिला के हमने देखा कि 97.3 परसेंट जो है वो पानी सलाइन है तो बचा कितना 100 में से 97.3 को माइनस करेंगे 100 में से तो विल गेट 2.7 तो सिर्फ हमारे पास 2.7 परसेंट जो है वही वाटर फ्रेश वाटर है फ्रेश वाटर जो होता है उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में सॉल्ट डिजॉल्व होता है लगभग टू थर्ड ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन आइस कैप्स यानी कि जो हमारे पास टू वाटर है उसमें से भी टू थर्ड पार्ट जो है वो आइस कैप्स के अंदर स्टोर्ड है या फिर अंडरग्राउंड वाटर के तौर पे हमारे पास है तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास 0.03 परसेंट पानी जो है वही हमारे यूज के लिए अवेलेबल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो आइस ग्लेशियर्स के रूप में आइस कैप्स के अंदर कैद है ओशन्स के बारे में जानेंगे लगभग पाँच ओशन हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर जिनमें पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक या फिर सदर्न ओशन का भी नाम इसको दिया गया है इसके बारे में ऑलरेडी क्लास सिक्स में पढ़ चुके हैं सी अबाउट नॉविलिटी सैलिनिटी क्या होती है सैलिनिटी का मतलब होता है कि पानी के अंदर कितना नमक डिजॉल्व है उसी को सैलिनिटी कहा जाता है इसको ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर थाउजेंड ग्राम्स ऑफ वाटर के तौर पे के रूप में गिना जाता है यानी कि अगर इसको मापना है हमें तो ग्राम्स ऑफ सॉल्ट यानी कि एक लीटर पानी के अंदर थाउजेंड ग्राम्स ऑफ वाटर यानी कि एक लीटर पानी के अंदर कितना नमक है उसके आधार पर इसको मापा जाता है द एवरेज सेलिडिटी इज थर्टी फाइव ग्राम्स पर थाउजेंड ग्राम्स ऑफ ओशन वाटर तो एवरेज सेलिडिटी की बात करें तो एक लीटर पानी के अंदर पैंतीस ग्राम जो है वो सॉल्ट पाया जाता है इसकी एवरेज सेलिडिटी बताई गई है आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस के बारे में कि ओशंस जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हैं ओशन्स जो हैं हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं कैसे जैसे पहले तो हमें इससे बहुत सारा सी फूड मिलता है जो लोग सी फूड के शौकीन हैं या फिर इवन मैं बात करूं कि हमारे पास अनाज तो इतना नहीं होता है कि हम पूरी दुनिया का पेट भर सकें तो हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि सी एरियाज यानी कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो लोग सी फूड ही खा अपना गुजारा करते हैं नेक्स्ट ये पहला ही इनका यूज़ था ओशन का दूसरा यूज इसका ये है कि मॉडरेट ग्लोबल क्लाइमेट कि ग्लोबल क्लाइमेट को ये मॉडरेट यानी कि मीडियम रखने का काम करता है क्योंकि आपको पता है अक्सर सी के कारण ही रेन जो है वो आती है वहाँ से जो पानी एवेपोरेट ऊपर जाता है फिर उससे जो क्लाइमेट है थोड़ा ठंडा रहता है तीसरा इसमें है प्रोवाइड वाटर वेपर इन रेनफॉल वॉर फॉर रेनफॉल तो पानी जो है यहीं से इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है और बारिश के रूप में नीचे आता है फिर से और इससे ग्लोबल क्लाइमेट जो है उसको भी कंट्रोल रखा जाता है विच रेपलेश फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ तो इस तरीके से जो बारिश होती है उसमें भी सी वाटर यानी कि रेन का ओशन का बहुत बड़ा हाथ है और जो सी से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है और फिर वो बारिश के रूप में नीचे आता है इस तरीके से फ्रेश वाटर की जो भरपाई है वो होती है यानी कि हम तो यूज़ करते रहते हैं ना अगर हमारे पास सिर्फ जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ही पानी है पीने वाला तो वो तो खत्म हो जाएगा हम ऐसे यूज़ करते रहेंगे तो लेकिन रेन के द्वारा इसकी भरपाई होती रहती है और रेन लाने में जो ओशन से उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है इसके साथ साथ ओशन के अंदर हमें मिनरल ऑयल भी मिलता है सी बेड से हमको ऑयल भी मिलता है जैसे कि इंडिया के अंदर बॉम्बे हाई नामक एक जगह है मुंबई में जिसमें सी बेड से ऑयल निकाला जाता है फिर सी बेड से हमको ओशन से मैंगनीज सॉल्ट ये सब चीजें मिलती हैं ओशन फ्लोर से इसके साथ साथ हम सी ओशन के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा दे सकते हैं बड़े बड़े शिप्स जो हैं जहाज जो रहते हैं वो बड़े बड़े कंटेनर्स को लेकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं आगे बात करेंगे हम ओशन सर्कुलेशन की ओशन वाटर जो है वो हमेशा मोशन में रहता है बहुत वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। यानी कि वर्टिकल तौर पे ऊपर से नीचे की तरफ भी और नीचे से ऊपर की तर, आगे से पीछे की तरफ भी ये हमेशा चलता रहता है द रोटेशन ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून डिफरेंस इन टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सैलिनिटी एंड ट्रेलिंग दिस मूवमेंट तो ये सी वाटर जो रहता है वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है उसके मूवमेंट का जो कारण है ये आपको याद रखना है पहला है अर्थ का रोटेशन दूसरा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून तीसरा है डिफरेंस इन टेम्परेचर जो जगह जगह पर टेम्परेचर में फर्क होता है वो चौथा है अमाउंट ऑफ सेलिनिटी यानी कि कितना पानी के अंदर नमक है वो और लास्ट है प्रिवेलिंग विंड की हवा की जो ताकत है वो कितनी है तो इन सब आधार पे ही ये मूवमेंट जो है वो पॉसिबल रहता है तीन मेजर तरह का मूवमेंट जो है वो यहाँ बताया गया टाइट्स वेव्स एंड ओशन करंट जिसको कहा जाता है तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अब हमने टाइट्स के टाइट्स के बारे में सुना होगा आप लोगों ने वर्ड वेव्स भी बताया है और ओशन करंट्स भी हमने सुना है वर्ड लेकिन यह होता क्या है तो टाइड्स के बारे में जानेंगे पहले टाइड्स आर पीरियोडिक वर्टिकल राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर रिजल्टिंग इन हॉरिजेंटल फ्लो ऑन द सी कोस्ट दीज आर कॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल एक्जर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द सन एंड द मून टाइट्स जो होती हैं हमारे समुद्र के अंदर जब आप जाते हो आप बीच पे जब सी शोर पे जाते हो आप देखते हो समुद्र का पानी जो है हमेशा आगे पीछे बढ़ता रहता है तो उसमें पानी राइज होता है पहले कैसे होता है पानी ऊपर उठता है और एक लहर बनकर आती है तो ये जो हर, इसी लहर के कारण ही पानी जो है आगे और पीछे मूवमेंट होता है आप देखते हो कई बार आप काफी बाहर खड़े हो एकदम सीशोर पे और वहां तक पानी जो है आपके पाओं को छूता हुआ पहुंच जाता है तो ये मूवमेंट जो है ये वर्टिकल राइज के कारण ही ये हॉरिजॉन्टल फ्लो जो होता है वो भी होता है तो ये सब जो है ये भी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन ही होता है सिंस द मून इज क्लोजर इट्स ग्रेविटेशनल पुल अफेक्ट्स द ओशन मोर देन दैट ऑफ द सन मून हमारे काफी करीब है इसलिए उसकी जो ग्रेविटेशन है वो हमारी अर्थ पर ज्यादा असर डालती है राइज इज कॉल्ड हाई टाइड while द फॉल इज कॉल्ड लो टाइड जब राइज होता है यानी कि लहर उठती है उसको high tide कहा जाता है और जब वो गिरती है तो low tide कहा जाता है ड्यूरिंग द न्यू मून एंड फुल मून phases, when द सन अर्थ एंड मून आर इन वन लाइन द combined ग्रेविटेशनल पुल ऑफ और ये जो टाइड सिमटा ये हाई टाइड और low tide, ये भी होते हैं बिकॉज ऑफ मून के ही मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है और सन की जो ग्रेविटेशनल पुल है उनके कारण बट एज वी नो कि मून जो है वो अर्थ से ज़्यादा क्लोज है और सन जो है वो हमसे काफ़ी दूर है इसलिए जो हाई टाइड और लो टाइड होता है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मून का जब न्यू मून होता है या फुल मून फेजेस होते हैं यानी कि जब हम देखें कि न्यू मून डे न्यू मून नाइट यानी कि या फिर फुल मून फेजेस जो होते हैं उस समय और जब अर्थ सन और मून तीनों एक ही लाइन में होते हैं उस समय ग्रेविटेशनल पुल जो होती है सन की और मून की वो स्ट्रांग हो जाती है और इसी कारण से हाई टाइड्स जो होती हैं वो और ज्यादा ऊंची उठती हैं और लो टाइड्स जो होती हैं वो और ज्यादा लो हो जाती हैं नॉर्मल डेज से यानी कि नॉर्मली आप जितना देखोगे उस उस समय ये ज्यादा हो जाएगा दीस टाइड्स ये जो टाइड्स हैं ऑन फुल एंड न्यू मून डे न्यू मून डे और फुल मून डे की बात की जाए तो उस समय इनको कहा जाता है स्प्रिंग टाइड्स यानी कि जब ये बहुत हाई होती हैं या बहुत लो होती हैं उस समय इनको कहा जाता है स्प्रिंग टाइड्स फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर की बात करें फेजेस की जब सन अर्थ और मून ये राइट right एंगल बनाते हैं जैसे पीछे आपको फिगर में दिख रहा होगा राइट एंगल बन रहा है यहां पर यानी कि 90 डिग्री जब एंगल बनता है उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून की होती है उससे ज्यादा हो जाती है सन की ग्रेविटेशनल फोर्स और इस कारण से टाइट्स जो हैं दे आर नॉट सो हाई एस स्प्रिंग टाइट्स तो उस समय जो टाइट्स हैं वो स्प्रिंग टाइट्स की तरह हाई नहीं होती हैं और ना ही लो होती हैं उस समय इन टाइट्स को कहा जाता है नीप टाइट्स अब टाइड्स के यूजफुलनेस की बात करें इन शेलो पोर्ट्स इट इज ओनली ड्यूरिंग हाई टाइट्स एट लार्ज शिपिंग वेसल्स आर एबल टू एंटर द एंड लीव द हार्बर अब ऐसी पोर्ट्स होती है ना जहाँ पर शेलो पानी बहुत कम होता है नीचे उन जगहों पे शिप्स नहीं आ पाती हैं लेकिन जब हाई टाइड आता है उसी दौरान शिप्स वहाँ पर एंटर करती हैं तो शिप्स की एंट्री के लिए हाई टाइड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं हाई टाइड ब्रिंग्स इन फिश विच इज नेटेड इन लार्ज क्वान्टिटीज टाइड रिसीड्स हाई टाइड के समय फिश जो होती हैं वो काफ़ी सारी इस तरफ आ जाती हैं टाइड के हाथ बहकर और उनको फिर पकड़ लिया जाता है नेट्स के अंदर उनको फंसा लिया जाता है जल जाल के अंदर जब लो टाइड होता है पानी पीछे चला जाता है और फिश वहीं पर जाल में फंस रह जाती हैं टाइड्स क्लियर सिल डिपॉजिट फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर्स कीपिंग दम फ्री फ्रॉम फ्री फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट टाइड्स के कारण जो आ, मिट्टी हम कह सकते हैं वो जम जाती है नदियों के मुहानों पे टाइड्स के कारण वो भी इस पानी के साथ बहकर पीछे चली जाती है जिससे ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो रास्ता अच्छे से खुल जाता है टाइडल एनर्जी इज बींग यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इसके साथ साथ टाइडल एनर्जी का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी वेव्स की बात करेंगे वेव्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन बाय विंड्स वेव्स मतलब जो विंड के कारण जो लहरें हैं वो ऊपर उठती हैं और गिरती हैं वन द विंड्स ग्लो ओवर द सर्फेस ऑफ द ओशन दे टेन टू पुश द वाटर अप एंड डाउन बाय फ्रिक्शन जब तेज हवा बहती है तो उस सर्फेस जो ओशन का है उसके ऊपर तो उस समय जो पानी है उसको ऊपर नीचे पुश करते हुए ये नजर आती है इट इज हाउ एड इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वाटर पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल बट बॉब अप एंड डाउन इन अ सर्कुलर मोशन एट द प्लेस आपने देखा होगा जब लहर उठती है तो क्या होता है पानी ट्रेवल नहीं करता है पानी अपनी जगह पर ही गोल गोल घूमता रहता है तो इस तरीके से पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करता बट इट बॉब अप यानी कि वो अपनी जगह पर गोल गोल घूमता रहता है डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी हाई एंड पावरफुल वेव्स ऑन द सरफेस अगर समुद्र के तल पर अगर उसके फ्लोर पर सी बेड पर अगर अर्थक्वेक आ जाता है कभी तो इससे बहुत ऊंची और ताकतवर लहरें उठ सकती हैं और इन वेव्स को सुनामी कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं किनारे पे आगे हम देखेंगे ओशिन करंट के बारे में ओशन करंट्स आर डिफाइंड एज रिवर्स इन द ओशन ओशन करंट्स का मतलब होता है जैसे नदियाँ होती हैं हमारी वैसे ही ओशन के अंदर जो नदियाँ होंगी उनको ओशन करंट कहा जाता है एक्चुअल में वो नदियाँ नहीं होती हैं वो क्या होता है हम डिटेल में देखते हैं दीज आर मूवमेंट्स ऑफ लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन इन अ फिक्सड पाथ यानी कि जो वाटर है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहता है सरफेस पे ओशन के उसको कहा जाता है एक तरह से ओशन करंट करंट्स मूविंग फ्रॉम द इक्टोरियल रीजन टुवर्स द पोलर रीजन आर कॉल्ड वार्ग करंट्स एंड दोज मूविंग फ्रॉम पोलर रीजन टूवर्स इक्वटोरियल रीजन आर कॉल्ड कोल्ड करंट्स अब अपर पार्ट में कुछ जगहों पर आपने नोटिस किया होगा या जैसे यहाँ पर बात बताया गया आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं रेड एरो से शो किया गया है तो जो करंट है जब वो पानी का बहाव जो है वो इक्वटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ जाता है तो इसको वार्म करंट कहा जाता है और वैसे ही जो पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आता है उसको कोल्ड करंट कहा जाता है सो इट इज इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशिन इसको करंट कहा जाता है द फेरियस फैक्टर्स दैट कॉज ओशन करंट आर रोटेशन ऑफ द अर्थ अब ओशन करंट जो है उसके लिए क्या चीज जिम्मेदार रहती है पहला रोटेशन ऑफ अर्थ अर्थ का जो रोटेशन है जिम्मेदार है प्रभाव पड़ता है इंफ्लुएंस ऑफ ओशन करंट्स ओशिन करंट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ प्लेस बायिंग और लोवरिंग द टेम्परेचर ओशिन करंट जो होते हैं उससे किसी भी जगह का टेम्परेचर यानी कि काफ़ी प्रभावित होता है इससे टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर द कोस्ट ऑफ स्कैंडिनेविया डज नॉट फ्रीज ड्यू टू वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वाइल द कैनेडियन कोस्ट ऑन द अपोजिट साइड रिमेन्स फ्रोजन अब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण जो कैनेडियन कोस्ट है वो फ्रोजन हो जाता है जो कि ऑपोजिट साइड में यानी कि वो जम जाता है लेकिन स्कैंडिनेविया की तरफ जो कोस्ट है वो फ्रीज नहीं होता है बिकॉज ऑफ वार्म करंट क्योंकि वहां पर जो करंट होता है वो वार्म होता है इस कारण से वहां पर बिल्कुल भी जमती नहीं है चीजें वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट देयर इज प्लेंटी ऑफ फिश फूड मेकिंग द रीजन अ रिच फिशिंग ग्राउंड फॉर एक्जाम्पल द ग्रैंड बैंक्स ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड इन कैनेडा अब ये जो एरियाज होते हैं जहाँ पर कोल्ड और होट वार्म करंट दोनों मिलते हैं वहाँ पर प्लेंटी ऑफ फिश वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिश होती है क्योंकि वो एरिया जो है वो दोनों के मिलने के कारण इन दोनों के रहने के लिए जानवर के रहने के लिए अनुकूल बन जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा फिशेस पाई जाती हैं एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है ग्रैंड बैंक्स जो कि न्यू फाउंडलैंड में है कनाडा में तो वहाँ पर क्या है कि फ़िशिंग ज़्यादा हो सकती है जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड करंट दोनों मिलते हैं तीसरा पॉइंट है यहाँ पर मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स लीड्स टू हैवी कंडेंसेशन एंड प्रोड्यूस इंटेंस फोग दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर शिपिंग इसके प्रभाव बताए गए तो जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट मिलते हैं इससे कंडेंसेशन काफ़ी होता है जिससे बहुत ज्यादा फोग बन जाती है जिससे शिपिंग के लिए बहुत समस्या होती है यानी कि समुद्र के ऊपर आपने धुंध देखी होगी कई बार कोहरे टाइप दैट इज बिकॉज ऑफ द मीटिंग ऑफ द वार्म एंड कोल्ड करंट्स नेक्स्ट इज ओशन गोइंग शिप्स Use currents to their advantage and save fuel. जो ओशन के अंदर चलने वाली जो शिप्स होती हैं वो अपने जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो अपनी शिप्स को ले जाती हैं जिससे उनका फ्यूल कॉस्ट काफी कट आउट हो जाता है यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट अब एक तरफ बह रहे हैं जैसे हवा के भाव के साथ हम जाएँ तो हमारा फ्यूल बचेगा हम हमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी तो वैसे ये भी उसका यूज़ करते हैं तो लास्ट टॉपिक हमारा है केस स्टडी 2011 जापान 11 मार्च 2011 एक बहुत ही जबरदस्त अर्थक्वेक जिसकी रिक्टर स्केल पे तीव्रता मापी गई थी 9 उसने जापान को थरा दिया था यानी कि जापान पूरा हिल गया था इस मैसिव अर्थक्वेक से इसके बाद एक सुनामी एक बहुत ही जबरदस्त सुनामी आई जो कि इतना डैमेज कर गई कि वी कांट कैलकुलेट थिंग और ये क्वेक जो था That was the result of a violent uplift of the sea floor of the coast of ये जो अर्थ था ये सी फ्लोर के ऊपर एक अपलिफ्टमेंट हुई थी कुछ मतलब नीचे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी यानी कि नीचे से कोई प्लेट जो थी वो ऊपर आई थी ये और ये प्लेट जो थी ये कहां पर ऊपर आई थी थोड़ा कोस्ट ऑफ सेंडाई सेंडई नामक कोई जगह है जहां पर उसका जो कोस्ट था किनारा था वहां पर ऐसी घटना हुई थी वेर द पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड्स बिन द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यहाँ पर हुआ ये कि पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी वो नीचे थोड़ा स्लाइड होगी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के जिस कारण से ये मूवमेंट हुआ और नौ की तीव्रता का भूकंप आया नॉर्दर्न जापान हिट सिट्स ऑन द वेस्टर्न टिप ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट और नॉर्दर्न जापैन की बात की जाए की जाए वो वेस्टर्न पार्ट पे स्थित है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के तो जिस प्लेट के मूवमेंट के कारण ये अतिक हुआ जिस प्लेट में ये हलचल हुई थी जापान उसी प्लेट में स्थित है ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सेंट्रल होंशू वाज टोटली डिवास्टेटेड लगभग 125 किलोमीटर जो कि होंशू के कोस्ट से हम 125 किलोमीटर अगर दूर जाएं तो वहाँ पर इस अर्थक्वेक के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ टाउनशिप्स एयरपोर्ट्स रेलवेज एंड रोड्स डिसअपीर्ड इन सर्टेन रीजनस कुछ जगहों पे तो रेलवे एयरपोर्ट और रोड्स रोड यानी कि बिल्कुल समाप्ति हो गए नजरों से औजल हो गए द न्यूक्लियर पावर प्लांट एट फुकुशिमा वॉज डैमेज और इसी दुर्घटना में फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो डैमेज हुआ था और इससे रेडिएशन लीकेज की बहुत ज्यादा खतरा मतलब उत्पन्न हो गया था और फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर को डैमेज पहुंचा जिससे तुरंत उस पूरे एरिए को इवेक्एट करवा लिया गया यानी कि पूरे एरिए को खाली करवा लिया गया क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर रेडिएशंस रहती हैं उनके लीकेज का डर पैदा हो गया और इसलिए उसको खाली कर लिया गया द ऑयल रिफाइनरी एट ईशीटरा ऑल्सो गॉट डैमेज एंड गॉड फायर यहीं पर एक ऑयल रिफाइनरी थी ईशीटरा के अंदर उसके अंदर भी काफी नुकसान हुआ और उसमें आग लग गई एंड मोर देन वन फोर जीरो सिक्स जीरो वो रिपोर्टेड डेड लगभग चौदह हजार के करीब लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग इंजर्ड हो गए और मिसिंग यानी कि लापता हो गए तो ये सब चीजें हमको बताती हैं कि कितना ज्यादा जो पावर है सुनामी का रहता है सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर होप यू एंजॉयड थैंक्स फॉर वॉचिंग